गाइस, रेखा शर्मा की रसोई में आज आपका स्वागत है। और आज मैंने बनाई है, उत्तराखंड की डिश है ये, पालक की धपड़ी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में जरूर लिखना कि आपको ये मेरी डिश कैसे लगी। पालक मैंने साफ करके अच्छे से दो तीन पानी में धो के कर दिया है। अब मैं इसको साइड में निकाल के अब मैं इसे कुकर में डाल के इसे दो तीन सीटी लगा के इसको पकाऊंगी, उबाल के रखूंगी। मैं इसे कुकर में डालूंगी, कुकर में इसको डाल के दो तीन सीटी में इसको मैं उबाल दूंगी। ये देखो उबल के रेडी हो चुका है। ये तेल गरम कर दिया है, अब मैं तेल डालूंगी इसमें चुका है। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी, बारीक लहसुन काटा है ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा एक चुटकी मैंने हींग भी ऐड किया है। प्याज काटा है बारीक बारीक, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी मैं। प्याज को ब्राउन होने तक मैं इसको पकाऊंगी अच्छे से पकाऊंगी ब्राउन होने तक। प्याज लगभग ब्राउन हो चुका है, हल्का हल्का सा। अब मैं इसमें मैंने बारीक टमाटर काट के रखे थे रेडी, दो टमाटर मैं इसमें ऐड कर दूंगी, वो भी मैं प्याज के संग में अच्छे से पकाऊंगी। ये भी मैं अच्छे से प्याज के संग में पकाए। अब मैं इसमें घर में यूज होने वाले मसाले ऐड करूंगी। इसमें मैंने एक चम्मच मिर्ची पाउडर, चम्मच हल्दी पाउडर के अनुसार नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर, इससे मैंने जीरा पाउडर भी मिक्स किया है। ये मसाले मैं मिक्स कर दूंगी, इनको भी अच्छे से पकाऊंगी। टमाटर भी मेरे अच्छे से गल जाएगा साथ में और मसाला भी पक जाएगा। देखो अभी सब ये मसाला मेरा अच्छे से पक चुका है बिल्कुल, तेल भी इसने छोड़ दिया है साइड में। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूंगी और हरा धनिया भी साथ में इसको पकाऊंगी। हरा धनिया भी मैंने साथ में मिक्स कर दिया है मसाले के। हरा धनिया भी साथ में पक चुका है, मसाला मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ये पालक ऐड कर दूंगी। ये मैंने पीसा नहीं है पालक, ये उबाला है मैंने, मठनी से इसको मसला है। ये देखो इसको मठनी से ही मसला जाता है, इसको पीसना नहीं है। ये हमारे उत्तराखंड की डिश है, इसको पालक की धपड़ी बोलते हैं। जो हम उत्तराखंड के होंगे, जो लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको समझ में आएगा कि ये मैं पालक की धपड़ी बना रही हूँ। वैसे ये पालक की धपड़ी लोहे की कढ़ाई में बहुत टेस्टी होती है, लेकिन मैं इसमें बना रही हूँ। ये देखो इसको थोड़ा हाथ से ऐसे मसल दो पालक को, जो थोड़ा सा होगा तो वो भी पक जाएगा। पालक को इसमें मिक्सर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको वैसे ही मट दो इसको, तो ये थोड़ा हो जाता है, उबला हुआ है ये। कटोरी लूँगी, कटोरी में मैं दो चम्मच बेसन ऐड करूँगी। ये देखो मैंने दो चम्मच इसमें बेसन ऐड किया है और इसमें मैं पानी डालूँगी, पानी ऐड करूंगी अभी और इसको अच्छे से घोलूंगी। तो मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी खूब इसको, फेंट के अच्छा सा घोल बन चुका है, अच्छा सा पानी के संग में घुल गया है बेसन। तो बेसन को ऐड कर दूंगी अच्छे से। ये देखो तो मैंने अच्छे से इसमें कर दिया है, मसाले के साथ में डाल दिया है ये पालक जो है। ये देखो अब इसको मैं अच्छे से घोटूंगी, अच्छे से पकाऊंगी, क्योंकि ये मेरे को चावल में यूज करने का है तो इसमें मैं थोड़ा सा रसा डालूंगी। अगर इसको रोटी में खाने का है तो ये रेडी हो चुका है रोटी के लायक, लेकिन इसको चावल में खाना है तो इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करते हैं और इसको खूब पकने देते हैं ऐसे। इसको खूब हिलाना पड़ता है क्योंकि बेसन की इसमें छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, इसलिए इसको ऐसे ऐसे पकाना पड़ता है। बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें एक चम्मच ये देसी घी
यूज करूंगी, उसमें मैं और भी टेस्ट आएगा खाने में। देखो ये चावल के लायक अच्छी सी पक चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है ये।